दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पोंटा साहिब। नगर पालिका परिषद पोंटा साहिब की ओर से होला मोहल्ला की सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पोंटा साहिब के धौलाकुआं में हुए दोहरे हत्याकांड में पीड़ित परिवार से पोंटा के डीएसपी रमाकांत ठाकुर मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से बात की व उनको पुलिस द्वारा की जा रही जांच के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान डीएसपी पोंटा रमाकांत ठाकुर ने परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस इस मामले में सही दिशा में जांच कर रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मामले के सभी आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका 3 दिन का रिमांड लिया है। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि होली के दिन सिरमौर के धौलाकुआं में हुए सड़क हादसे में नया मोड़ ले लिया है। ये हादसा नहीं बल्कि दोहरा हत्याकांड निकला था। इसी सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ माजरा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारी तरफ से होना चाहिए था वो बिल्कुल सही हो रहा है ना। जो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ रहती है, जिस जिसके हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी थी, जिसके बयान करवाने थे आपने, वो भी हमने स्टेटमेंट ली हुई है। इन्वेस्टिगेशन में आपको इतना मैं वो आश्वासन दे रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन अच्छे से ही होगी, मेरी सुपरविजन में हो रही है, मैं देख रहा हूँ इसको इन्वेस्टिगेशन, ठीक। और जैसे ही आपको मैंने पहले भी कहा था कि हम 2-3 घंटे के अंदर इन चारों को ले आएंगे, वो हम ले आए चारों, ठीक। आपको मैंने फोटोज भी दिखा दिए हैं, वीडियोज भी दिखा दिए हैं। अभी वो लोग पुलिस रिमांड में, हम उनसे आगे भी पूछताछ कर रहे हैं। जो जो हमने मौका से साक्ष्य उठाने थे, एविडेंसेस उठाने थे, सबूत उठाने थे, वो सारे हमने उठा लिए हैं। हमने एक दक्ष जो हमारी टीम थी इस मामले में, जो प्रोफेशनल थे, उनको बुलाया था इस चीज़ के लिए, ताकि हमें ऐसा कोई ये ना रहे, क्योंकि इसमें ये होता कि अब एक्सीडेंट का ना बना दें इसको। इसलिए हमने बिल्कुल परफेक्ट टीम को बुलाया कि भाई हमारे से बढ़िया टीम जो फॉरेंसिक की, वो वहाँ से एविडेंसेस को उठाए। तो ये सारा जो होना चाहिए था हमारे से बेस्ट पॉसिबल, वो हमने किया हुआ। तो आप उम्मीद रखें, भरोसा रखें सिस्टम पे, ये जो लोग हैं इनको हम अभी नीचे से फोन आया हमारे पास कि इनको, वो तो अंदर है ना, जो कि वो तो है, हम पीछे जाने से कहा पंकज जिसका भतीजा है ना, वो बार बार बोल रहा है किसी को, कह रहे पैसे दे, किसी आपके किसी नंबर पे फोन आता है, हम उसकी कॉल डिटेल से पता कर है ना। तो आप उसमें आश्वासन, आपको यहाँ पे पुलिस फोर्स घुमानी है, थोड़ी मैं पुलिस फोर्स घुमाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे चलाओ, यहाँ पेट्रोल करेंगे, ठीक है। इनका मकसद दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पोंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद पोंटा साहिब की ओर से होला मोहल्ला की सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐतिहासिक होला मोहल्ला मेला पोंटा साहिब में 8 मार्च से 19 मार्च तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रदेश के उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान व समापन स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी करेंगे। 9, 10 व 11 मार्च को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य हिमाचली कलाकार दलीप सिरमौरी, राजगुरु व नाटी किंग कुलदीप शर्मा प्रस्तुतियां देंगे। वहीं लोकप्रिय पंजाबी गायक जोबन संधू व गुरनाम भुल्लर अपनी आवाज का जलवा दिखाएंगे। आप सभी इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। नगर परिषद पोंटा साहिब आप सभी को सादर आमंत्रित करती है। नगर परिषद पोंटा साहब होली मेले के ऊपर सभी शहर वासियों को और जो अन्य स्थानों से मेले के लिए लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उनको शुभकामनाएं मेले होली मेले की देती हैं, होली अवसर पर भी देती हैं। इसके साथ नगर परिषद सभी शहर वासियों से जो मेले में आएंगे उनसे अनुरोध करती है कि आप सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, मास्क पहनें और जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे अपने पर्स, अपने अंगूठी, चैन आदि का भी सावधान रहें और नगर परिषद को सफाई व्यवस्था में सहयोग करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। और नगर परिषद ये भी अनुरोध करती है कि यमुना घाट के ऊपर जो हैं वो लोग जाएं घूमें, लेकिन पानी में कोशिश करें कि ना नहाएं, क्योंकि वहाँ पे पहले भी कुछ हादसे ऐसे हो गए हैं जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ है। वहां पे नगर परिषद ने बोर्ड लगा दिए हैं, चेतावनी लगा दी है, गोताखोर रखे हुए हैं।
अन्य हम ये भी अनुरोध करते हैं जो गाड़ी में आए तो 10 थानों के ऊपर नगर परिषद ने पुलिस के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से पार्किंग बनाई है। 1000 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं उन ट्रक गाड़ियां खड़ी होने की व्यवस्था की गई है, वहां पे अपनी पार्किंग जो है गाड़ियों की करें, वहां पे पानी पीने की व्यवस्था और अन्य जो जो भी चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।